जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज के वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के लिए 2017 का साल कैसा रहने वाला है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि के आधारित है। यदि आपके जन्म के चंद्र सिंह राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। यदि आपके जन्म के सूर्य भी सिंह राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। यानी कि आपका जन्म जो है वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हुआ है और आपका जो जन्म के सूर्य है वो सिंह राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों सिंह राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको जबरदस्त असर करने वाला है। अब बात करेंगे सबसे लंबे चलने वाले ग्रहों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। तो 2/11/2014 से जो शनि महाराज आपकी राशि से चतुर्थ स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो 26 जनवरी 2017 तक है, तांबे के पाए पर शनि महाराज का भ्रमण राशि से चतुर्थ स्थान के अंदर ज़्यादा शुभ तो नहीं माना जाएगा। हालांकि पाया तांबा का है जिसके चलते हुए आपको थोड़ी कष्ट कम पड़ सकती है क्योंकि तांबा का पाया बहुत शुभ माना जाता है। फिर भी नेगेटिव है जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा बिजनेस करियर के अंदर आप स्लो फेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर माता एवं पिता के साथ और जो भी जातक मैरिड हैं वो अपने इन लॉज के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन फेस कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 2017 को आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी छोटी पनौती खत्म होती है। हालांकि जो शनि चलेंगे पंचम स्थान के अंदर वो भी आपके लिए ज़्यादा शुभ तो नहीं है क्योंकि 26 जनवरी 2017 को जब शनि महाराज राशि से पंचम स्थान के अंदर भ्रमण स्टार्ट करेंगे तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट वो इस प्रकार रहेगी क्योंकि जब शनि चलेंगे पंचम स्थान के अंदर तो दृष्टि करेंगे आपकी आपके सप्तम स्थान के अंदर। सप्तम स्थान जो है वो दाम्पत्य का स्थान है, पार्टनर का स्थान है। तो मैरिज लाइफ के अंदर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है तो जिसके चलते हुए खास करके आपको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ अपने मित्रों के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना जाए उसका भी केयर करना होगा क्योंकि जब शनि चलेंगे पंचम स्थान के अंदर तो 11वें स्थान में भी दृष्टि करते हैं तो मित्रों के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। और शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो धन स्थान के अंदर पड़ती है तो जिसके चलते हुए कुटुंब स्थान के अंदर दृष्टि पड़ती है जिसके चलते हुए आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना जाए एवं फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में भी आपको विशेष केयर करना होगा। पंचम स्थान में शनि महाराज का जो भ्रमण है वो 21 जून 2017 तक है। 21 जून 2017 को शनि महाराज फिर से रिट्रोगेड होकर वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं और वृश्चिक राशि में चलेंगे 26 अक्टूबर 2017 तक। राशि से फिर से चतुर्थ स्थान के अंदर शनि चलेंगे जो जिसका पाया रहेगा चांदी का, तो चांदी का पाया भी शुभ माना जाता है जिसके चलते हुए खास करके आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होती है। लेकिन ये जैसे पहले बताया प्रेडिक्शन के अंदर आपको अपने रिलेशनशिप में खास केयर करना होगा, जॉब में अपर लेवल के साथ माता पिता के साथ और जो भी जातक मैरिड हैं उनको अपने इन लॉज के साथ। शनि महाराज के अशुभ तत्वों के निवारण के लिए शनि रवि और सोम 3 दिन गरीब लोगों में तेल का दान करें, लोहे का भी दान कर सकते हैं, लोहे की भी कोई वस्तु दे सकते हैं। 2 हनुमान चालीसा करें, एक सुबह में और एक शाम को, और अपने इष्ट देव देवी देव या देवी का महत्तम ध्यान मंत्र करें। अब बात करेंगे लंबे चलने वाले ग्रह गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर है जो कि यहाँ पर गुरु चलेंगे धन स्थान के अंदर 12 सितंबर 2017 तक। अब धन स्थान के अंदर जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ माना जाएगा। हालांकि गुरु के लिए ऐसा कहता है कि भावादि भाव दोष कारकम, इस सिद्धांत के अनुसार गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को नष्ट करते हैं तो जिसके चलते हुए आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपको फाइनेंस की बड़ी रिक्वायरमेंट है और बड़ी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसी इफ़ेक्ट आप महसूस करेंगे इस समय के अंदर 12 सितंबर 2017 तक। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत शुभ होती है जिसके चलते हुए आपको रोग एवं शत्रु पर विजय मिलेगा, आयुष्य बल में वृद्धि होती है
और बिजनेस और करियर में आपको तरक्की करवाने वाले बनते हैं। 12 सितंबर 2017 के बाद गुरु चलेंगे तुला राशि के अंदर, जो आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर होंगे। तो तीसरे स्थान में गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत शुभ है, नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। जो भी जातक अविवाहित हैं उनको विवाह के योग करेंगे, ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे और ये गुरु आपको बिजनेस में करियर में तरक्की करवाने वाले होंगे। बिजनेस में और करियर में आपको लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। तो तीसरे जो गुरु हैं 12 सितंबर 2017 के बाद वो आपके लिए बहुत शुभ है। अब बात करेंगे लंबे चलने वाले ग्रह राहु और केतु के बारे में। तो राहु केतु का जो भ्रमण है वो 2017 में आपकी राशि के अंदर ही है। 9 दिसंबर 2016 से जो राहु का जो नक्षत्र है वो मकर नक्षत्र में राहु भ्रमण करते हैं, जो कि 17 अगस्त 2017 तक यहाँ पर चलेंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में राहु ग्रह का जो भ्रमण है वो ज़्यादा शुभ नहीं माना जाएगा। आपकी राशि के अंदर राहु ग्रह का जो भ्रमण है, जो कोई भी जातक का जन्म सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में जिसका जन्म है, इनके लिए राहु का ये भ्रमण अशुभ है, शुभ नहीं है। क्योंकि जिनके भी चंद्र के ऊपर से राहु का भ्रमण होता है, यहाँ पर ग्रहण योग प्रबल ग्रहण योग बन जाता है और प्रबल ग्रहण योग की इफेक्ट के अंदर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो जो कोई भी जातक का जन्म का चंद्र का मघा नक्षत्र है, उनको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। जो कोई भी जातक सिंह राशि में जन्म है, इनका जिनका पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में जन्म है, इनके लिए भी शुभ नहीं है, क्योंकि ग्रहण योग का इफेक्ट अब बढ़ने वाला है। जो कोई भी जातक का जन्म सिंह राशि में, जिनके जन्म के सूर्य सिंह राशि में है और जन्म के सूर्य जो सिंह जिनके मघा नक्षत्र में है, उनको अपनी हेल्थ की विशेष केयर करनी होगी। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा, फादर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। तो राहु ट्रांजिट जो है आपके लिए शुभ नहीं है। चंद्र के ऊपर से राहु का भ्रमण आपको मानसिक संतुलन आपकी थोड़ी सी खराब कर सकता है। 17 अगस्त 2017 के बाद राहु चलेंगे आपकी राशि से 12वें स्थान में। 17 अगस्त 2017 के बाद कर्क में चलने वाले राहु भी आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि राहु चलेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। क्योंकि राहु जब उल्टा चलते हैं तो नक्षत्र में भी उल्टा ही आते हैं। तो 17 अगस्त 2017 से राहु ग्रह का जो भ्रमण राशि से 12वें स्थान के अंदर होगा, ये भी आपके लिए शुभ नहीं है। क्योंकि जो कोई भी जातक का जन्म सिंह राशि के अंदर हुआ है, जिनका जन्म का नक्षत्र मघा एवं पूर्व फल्गुनी है, इनके लिए अश्लेषा नक्षत्र शत्रु नक्षत्र है। क्योंकि मघा एवं पूर्व फल्गुनी में मूषक योनि आती है और अश्लेषा नक्षत्र में मांजर योनि आती है। मांजर यानी बिल्ली और मूषक यानी चूहा। तो जैसे राहु 12वें स्थान में आपके भ्रमण स्टार्ट करते हैं, आपके जो लेनदार होते हैं यानी पैसे लेने वाले होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और आपको ज़बरदस्त टेंशन और एवं स्ट्रेस रहता है। जो कोई भी आपने लोन किया है तो लोन के हफ्ते आप समय सर न चुका पाए, ऐसी सिचुएशन या नौबत आ सकती है। तो 2017 के अंदर खास करके आप ज़्यादा कोई लोन या डेब्ट ना करें, ऐसी हमारी सलाह है। और 2017 के अंदर जो राहु का ये भ्रमण अश्लेषा नक्षत्र में स्टार्ट होता है 17 अगस्त 2017 से, तो ऑलमोस्ट 2017 के एंड तक राहु अश्लेषा में ही होंगे। तो उसके निवारण के लिए खास करके खाने में हरे वाले मूंग तिल और गुड़ का प्रयोग करें सुबह शाम। कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं उनको हरे वाले मूंग डालें और राहु का स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। जो कोई भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं उनको मिलके, या तो आप हमें अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं कि राहु का स्टोन कैसे धारण करें। तो केतु ग्रह के भ्रमण के बारे में बात करेंगे। तो केतु ग्रह का जो भ्रमण है वो सप्तम स्थान के अंदर चल रहा है 17 अगस्त 2017 तक, वो भी शुभ नहीं है, जो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर इफेक्ट करने वाले हैं। तो खास करके जो भी जातक मैरिड हैं उनको अपने मैरिज लाइफ में पार्टनरशिप में तनाव ना जाए उसका केयर करना होगा।
17 अगस्त 2017 के बाद केतु चलेंगे 6वें स्थान में और राहु चलेंगे 12वें स्थान में, तो केतु का भ्रमण 6वें स्थान में भी शुभ नहीं माना जाएगा। जो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में काम करने वाले लोगों से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैटरनल साइड के रिलेशनशिप में कह रहा मामा एवं मौसी के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है, तो ये सब चीज़ों में अंदर आपको केयर करना होगा। अब बात करेंगे 2017 में ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह आपको कौन कौन से मंथ के अंदर लिए अंदर शुभ नहीं है, क्योंकि ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह को तो हम बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो कौन कौन से मंथ आपको केयर करना है 2017 में, तो सबसे पहले बात करेंगे मीन में चलने वाले सूर्य, जो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेंगे मीन में सूर्य। तो मीन के जो सूर्य हैं वो आपकी राशि से अष्टम स्थान के सूर्य होते हैं। अष्टम सूर्य में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना है, अपने आँखों की केयर करनी है और रिलेशनशिप में केयर करना है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मंथ आपको केयर करना है 16 जुलाई से 16 अगस्त, जिसमें सूर्य चलेंगे कर्क राशि के अंदर। कर्क के सूर्य हैं वो भी राशि से 12वें स्थान के सूर्य बनते हैं। 12वें सूर्य में भी आपको गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना है, अपनी हेल्थ की केयर करनी है और अपनी आँखों की विशेष केयर करनी है। और मंथ आपको केयर करना है 16 नवंबर से 15 दिसंबर, जिसमें सूर्य चलेंगे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक के जो सूर्य हैं वो भी राशि से चतुर्थ स्थान के सूर्य बनते हैं। चतुर्थ सूर्य के अंदर भी आपको अपनी हेल्थ का विशेष केयर करना है, रिलेशनशिप में केयर करना है माता एवं पिता के साथ। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपनी हेल्थ के बारे में विशेष केयर करना होगा। यदि आप मैरिड हैं तो आपको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2017 का जो साल है वो आपके लिए मध्यम प्रकार का माना जाएगा, जो ज़्यादा शुभ नहीं है और ज़्यादा अशुभ भी नहीं है। खास करके ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में ना लें 2017 में, तो ये बेहतर रहेगा। ज़्यादा प्रेडिक्शन और जानकारी के लिए हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए आप हमें अवश्य कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।